वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो सेशन फ्रैक्शंस के ही कंटिन्यू पार्ट 2 में आता है, जहां पर हम और आप मिलकर देखेंगे व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। दे आर फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? अब इन तीन टाइप्स को समझते हैं। तो सबसे पहले जो आपको समझना है इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? जिसको देखकर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं लगती, करेक्ट, या मिस्टेक नहीं है उसमें। फॉर एग्जांपल, आप 10 मार्क्स का एक रिटन टेस्ट हो और उसमें आपको अगर 9 मार्क्स आते हैं तो आपकी टीचर क्या करती है, ऊपर 9 लिखती है, अंडरलाइन करके नीचे 10 लिख देती है, करेक्ट। तो क्या इसमें किसी को शक हो सकता है कि नहीं ये गलत लिखा है? नहीं ना। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। जैसे कि आपने 2 मार्क्स का एक आंसर था, उसमें कुछ मिस्टेक की तो टीचर ने आपको 1 मार्क दिया, राइट। 4 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स थे, आपके 3 राइट आए, आपको राइट मिला। 5 1 लाइन के आंसर्स थे, आपको 4 राइट आए तो आपको 4 मार्क्स मिला, ये तो करेक्ट है। इन तीनों एग्जांपल्स में आपने क्या देखा क्लास, कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अब इसी को उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको जो पहला एग्जांपल, आपको आए हैं 9 मार्क्स, कितने 9, और आप जो टीचर ने मार्क्स लिखे थे 9/10, उसको रेड पेन से काट कर अगर आप अपनी हैंडराइटिंग में 10/9 लिख दोगे तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। क्यों? इसका मतलब क्या होता है क्लास, कि 3 मार्क का ही आंसर था, जैसे 3 मार्क्स का एक ब्रीफ था और आपको उसमें 4 मार्क मिले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। दूसरा, 5 मार्क के 1 लाइन के आंसर से, 5 1 लाइन 1 1 मार्क के, उसमें आपको 13 मार्क्स मिल गए, ऐसा हो सकता है क्या? और 4 मार्क का फॉर एग्जांपल 2 गिव रीजन थे, 2 मार्क्स के 2 गिव रीजन, आपको उसमें 5 मार्क मिले, इज दिस थिंग पॉसिबल? बिल्कुल नहीं ना। अगर आप 3 मार्क का टेस्ट दोगे तो क्या आपको उसमें 4 मार्क्स आएगा? आप अगर 5 मार्क्स का टेस्ट दोगे तो क्या आपको उसमें 13 मार्क्स आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस वजह से इन सब फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर कहते हैं। आई एम इम्प्रॉपर मतलब कि यहां पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर।